अभी हम लोग 5 लेक्चर डिटरमिनेंट का पढ़ चुके हैं, 2 थ्योरी का, 3 क्वेश्चंस का। आज हम लोग डिटरमिनेंट, बेसिक डिटरमिनेंट का लास्ट लेक्चर कर लेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है सारा आज बना लेंगे, उसके बाद कल से हम लोग क्रैमर्स रूल पे हाथ लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये एक NCERT का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है डेल इक्वल्स टू, आपको साबित करना है, मतलब ये आपको साबित करना है a प्लस बी एक्स, सी प्लस डी एक्स, पी प्लस क्यू एक्स, रो वाइज बोल रहे हैं, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू भी डब्ल्यू बराबर 1 - x² ए बी यू सी डी भी कॉलम वाइज, अब पी क्यू डब्ल्यू, ये आपको साबित करना है। तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, आपका इंस्टिंक्ट ही इसमें काम करेगा। अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को पकड़ लिए कि कहाँ क्या करना है, कौन सा टर्म हट सकता है, तो ये तुरंत बन जाएगा। तो देखिए, ए बी एक्स, सी प्लस डी एक्स, पी प्लस क्यू एक्स, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू भी डब्लू। हम यहां देख रहे हैं कि इसको अगर एक से गुना करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, रो वन में एक्स गुना रूट टू घटा देते हैं, यानी रूट टू को एक्स से गुना करके घटा देते हैं। तो ए बी एक्स, इसका एक से गुना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, सी प्लस डी एक्स, सी एक्स स्क्वायर डी एक्स, पी प्लस क्यू एक्स, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू भी डब्लू, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 - x² 1 - x² 1 - x² ठीक है। यहां ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू भी डब्लू, यहां से 1 - x² कॉमन, ए सी बी, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू भी। अब देखिए, ये दोनों रो तो सेम है और रो टू में दो टर्म जुड़ रहा है, तो रो टू को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कॉलम में बांटते थे प्रॉपर्टी फिफ्थ से। ए ए एक्स यू सी सी एक्स भी पी पी एक्स डब्लू प्लस ए बी यू सी डी भी पी क्यू डब्लू। 1 - x² यहां से एक्स कॉमन, ए यू सी सी भी पी पी डब्लू, ए सी पी बी डी क्यू यू भी डब्लू। ये दोनों तो सेम है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स इंटू जीरो, क्योंकि रो वन रो टू सेम है, और ये हो जाएगा ए बी यू सी डी भी पी क्यू डब्लू।
वन माइनस एक्स स्क्वायर ए बी यू सी डी भी पी क्यू डब्ल्यू लिखिए, ये तो आपको लाना था। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में आया हुआ दिया हुआ है। इवेल्युएट करना है कॉलम वाइज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा जीरो और कॉस अल्फा। तो यहाँ क्वेश्चन में हम सिर्फ ए को जीरो ले आएंगे तो हो जाएगा मेरा काम, क्योंकि एक जीरो तो दिया हुआ है ही। हम क्या करेंगे कि पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा। आप क्या कीजिए कि रो वन को कॉस से गुना कर दीजिए और रो थ्री को साइन अल्फा से गुना कर दीजिए, देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। यहां तो आपको चूंकि उसमें गुना कर रहे हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा, कॉस से गुना किए तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, कॉस से गुना किए कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, रो टू में रो थ्री में साइन से गुना करने के लिए बोले हैं, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब क्या करेंगे, रो वन में रो थ्री जोड़ देंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो आप देखिए यहां कॉस बीटा कॉमन और हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा कॉमन कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा जीरो माइनस साइन बीटा कॉस बीटा जीरो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा। फर्दर ये है अल्फा है ये, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा तो वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा जीरो माइनस साइन बीटा कॉस बीटा जीरो साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहां से कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा साइन बीटा कॉस बीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा वन। आपको साबित करना है डिटरमिनेंट कॉलम वाइज ए स्क्वायर प्लस ए बी ए बी बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए सी और सी स्क्वायर दिया हुआ है।
ठीक है, और बराबर 4a² b² c² साबित करना है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। a² a² ab ab c b² b c a c c² a c c² कॉलम वन से टेकिंग आउट ए बी सी फ्रॉम कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री रेस्पेक्टिवली, कॉमन है इसलिए ए बी सी, इसका ए प्लस बी, इसका बी, इसका सी बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए सी। अब क्या करेंगे, रो वन में रो टू और रो थ्री जोड़ के घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ना है, इससे घटाना है, तो माइनस टू बी ए कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, और ए बी कितना हो जाएगा, माइनस टू बी और क्वेश्चन पता नहीं गलत लिखा गया है क्या, इन दोनों को जोड़ के इससे घटा है, जीरो आ गया, ए प्लस बी 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 प्लस सी ए सी। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वन में कॉलम टू घटा देंगे, ये यू कहे कॉलम टू में कॉलम वन घटा देंगे, ए बी सी माइनस टू बी ए प्लस बी बी ये घटेगा तो जीरो, माइनस ए घटेगा तो ये घटेगा तो सी, ठीक है, जीरो ए सी। ए बी सी माइनस टू बी माइनस ए सी ए सी, ए बी सी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस टू बी माइनस टू ए सी, 4a² b² c² आपको साबित करना है, a a प्लस सी a माइनस बी b माइनस सी b b प्लस a c प्लस b c माइनस a c एंड a प्लस बी प्लस सी हैव सेम साइन, यानी कहने का मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी अगर पॉजिटिव होगा तो डिटरमिनेंट भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो डिटरमिनेंट भी नेगेटिव होगा, यही आपको साबित करना है। तो हम डिटरमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे, जैसे a है a प्लस सी a माइनस बी, b माइनस सी b, b प्लस a, c प्लस b c माइनस a c, ये दिया हुआ। इस डिटरमिनेंट को गौर से देखो तो हर एक रो में प्लस माइनस वही टर्म है ना, बी प्लस सी है तो उसका कंजुगेट बी माइनस सी, ए प्लस सी है तो सी माइनस ए माइनस बी है तो ए प्लस बी। हम यहां अगर देख रहे हैं कि अगर ए से इसको गुना करेंगे तो ये वाला टर्म ए सी हो जाएगा, और इधर सी से गुना करेंगे तो ये वाला टर्म ए सी हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, उसी तरीके से बी में भी उसी तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा सोचने का एक तरीका हो गया। यहाँ हम कॉलम वन में ए से, कॉलम टू में बी से और कॉलम थ्री में सी से गुना कर दिए, ए बी सी ए स्क्वायर ए सी ए स्क्वायर ए बी,
बी स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर बी सी, सी स्क्वायर ए सी, सी स्क्वायर। अब देखिए कॉलम वन कॉलम टू कॉलम तीन जोड़ देते हैं तो ए बी सी जोड़ेंगे तो बी सी बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इधर बी स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर बी सी, सी स्क्वायर ए सी, सी स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ साफ तौर पे देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा वन वन वन, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर बी सी, सी स्क्वायर ए सी, सी स्क्वायर हो जाएगा। हम रो वन में रो टू और रो टू में रो थ्री गुना कर सकते हैं, घटा सकते हैं, घटाने से जीरो, इसको घटाइएगा तो माइनस बी सी और इसको घटाइएगा तो बी सी प्लस ए सी, जीरो इसको घटाइएगा तो माइनस ए बी, इसको घटाइएगा तो माइनस ए सी, बी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर। यहां से इसको कॉमन ले लीजिए, ये काट दीजिए डिटरमिनेंट को कोफैक्टर के हिसाब से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी माइनस बी सी माइनस ए बी, बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी। इस रो से बी और इस रो से ए कॉमन ले लो तो माइनस सी, इस रो से सी कॉमन ले लेना चाहिए तो माइनस बी, बी प्लस ए, इससे ए कॉमन लेंगे तो माइनस बी, और कितना हो जाएगा माइनस सी। ऐसा करते हैं माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, वन वन ऐसे बी कॉमन ले लीजिए, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि जो डेल आया वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन आया। चूंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा, हार्डली जीरो हो सकता है, हमेशा ही पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव ए प्लस बी प्लस सी लिख रहे हैं तो इफ ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव तो डेल बराबर पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, और इफ ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव तो डेल बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। ये एकदम साफ तौर पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ए ए प्लस सी ए माइनस बी, बी माइनस सी बी, बी प्लस ए सी, प्लस बी सी माइनस ए और सी, एंड ए प्लस बी प्लस सी आर ऑफ सेम साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है तो ये पूरा डिटरमिनेंट पॉजिटिव है और नेगेटिव हो रहा है तो पूरा डिटरमिनेंट नेगेटिव है। इस तरह का डिटरमिनेंट जो है ना बहुत ही अच्छा डिटरमिनेंट होता है, ऐसे सवाल आपको बहुत तरह का
चीज ये क्लियर करेगा। ठीक है, देखिए dr इक्वल्स टू दिया हुआ है r 2r माइनस 1 3r माइनस 2 x by z n n प्लस 1 by 2 n स्क्वायर n 3n माइनस 1 by 2। तो आपको सिग्मा dr r 1 से n तक आपको निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन ही जेई मेन एडवांस में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का आने की संभावना रखती है। आपको सोचना भी सिखाएगा ऐसा क्वेश्चन। ये दिया हुआ सिग्मा डी आर आर एक से एन तक अगर डिस्कस करेंगे तो डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी एन। ठीक है, ये दोनों में तो आर है नहीं, आर ही बदलेगा। पहला में हो गया वन वन और वन एक्स बाई जेड दूसरा में क्या हो जाएगा आर का मान टू ये थ्री और ये कितना हो जाएगा फोर एक्स बाई जेड एन एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर एन थ्री एन माइनस वन बाई टू। आर के जगह तीन ये हो जाएगा पांच ये हो जाएगा सात एक्स वाई जेड ये प्रोसेस एन तक चल रहा है एन टर्म्स तक। आप देखिए डिटरमिनेंट में कॉलम टू कॉलम थ्री सब में सेम है। तो आपको रूल फाइव से बताया था कि दो कॉलम सेम रहता है तो बचा हुआ कॉलम आपस में अगर बीच में जोड़ दिया हो तो जुड़ सकता है। उस हिसाब से एक दो तीन चार एन टर्म्स तक एक तीन पांच सात एन टर्म्स तक और एक चार सात दस ये कितना एन टर्म्स तक एक्स बाई जेड अब गौर से देखिए एपी का समेशन डायरेक्ट समेशन का फॉर्मूला है। ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय टू टू इंटू फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म माइनस वन इंटू डिफरेंस एन बटा टू टू इंटू वन एन माइनस वन डिफरेंस एक्स बाय जेड ये हो गया। उसको कैलकुलेट करके देखिए एन स्क्वायर आ जाएगा और इसको कैलकुलेट करके देखिए थ्री एन माइनस वन आ जाएगा एक्स वाई जेड ये और ये दोनों सेम है इसलिए डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो। ठीक है, अगर जेई में बैठे हुए रहते तो इतना दूर तक करते ही नहीं, इसमें डायरेक्ट समेशन लगा देते। अगर दो कॉलम सेम रहता है ना तो तीसरा का कॉलम अगर समेशन डिटरमिनेंट के आगे लगा हुआ रहे तो वेरिएबल समेशन तीसरे का में लग जाता है। ऐसा हम लोग कर सकते थे, क्योंकि हम समझाना चाह रहे थे इसलिए दो स्टेप बढ़ा दिए। ठीक है,
सो दैट विदाउट एक्सपेंडिंग थ्री क्रॉस थ्री का डिटरमिनेंट है कॉलम वाइज 1 1 1 बी सी सी ए ए बी बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये साबित करना है आपको एक्सपेंड नहीं करना है याद रखना है डेल आपके पास बी सी सी ए ए बी बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी हम क्या करेंगे रो वन में ए से रो टू में बी से रो थ्री में सी से ए ए बी सी ए बी ए सी बी ए बी सी बी सी बी ए सी ए बी सी ए सी बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी ए सी बी सी बी ए सी ए बी सी ये दोनों को चेंज कर दीजिए कॉलम वन और कॉलम टू का जगह चेंज कर दीजिए माइनस आ जाएगा ए बी सी ए बी ए सी बी सी बी ए सी ए बी सी आपको क्या करना चाहिए कॉलम तीन में ए बी बी सी सी ए से कॉलम एक का गुणा करके घटाना चाहिए एक में क्योंकि ऐसा करने से ये टर्म कट जाएगा दो दो को टर्म तो इसमें है ही या सिंगल टर्म आ जाएगा इसलिए ऐसा करना है 1 1 1 वन से किसका गुना किए तो ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया इससे घटा है तो ए बी और ए सी माइनस बी सी बी सी और बी ए माइनस ए सी और सी ए और बी सी माइनस ए बी इसका माइनस बाहर कर दीजिए 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी रो वन में ए से रो टू में बी से रो थ्री में सी से गुना के लिए ए ए स्क्वायर ए बी सी बी बी स्क्वायर ए बी सी 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 स्क्वायर ए बी सी और इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा ए बी सी से क्योंकि गुना कर रहे हैं उसमें यहां से ए बी सी कॉमन निकाल लीजिए ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ये तो कैंसिल हो गया अब सर्कुलर चेंज कर दीजिए कॉलम में कॉलम वन को कॉलम टू के स्थान पे कॉलम टू को कॉलम थ्री के स्थान पे कॉलम थ्री को कॉलम वन के स्थान पे जो आपको प्रॉपर्टी सेकंड का स्पेशल केस में बताए थे वही आपको करना ऐसा करने से हम देख रहे हैं कि वही चीज आ गया जो हमको डिजायर्ड एलएचएस से आरएचएस की ओर आ गया प्रूव हो गया नोट कीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा लाइन विद इन 0 एंड पाई बाय 2 and satisfying the equation determinant of 1 plus cos square theta cos square theta cos square theta sin square theta 1 plus sin square theta sin square theta 4 sin 4 theta 4 sin 4 theta 1 plus 4 sin 4 theta LHS क्वेश्चन दिया होगा आपको करना क्या चाहिए आप देख रहे होंगे कि तीनों कॉलम को जोड़ेंगे तो सेम चीज आ जाएगा
वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, एलएचएस वाला स्थिति नहीं है क्योंकि इक्वेशंस दिया हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा फोर साइन फोर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा फोर साइन फोर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन फोर थीटा वन प्लस फोर साइन फोर थीटा इक्वल टू जीरो। इसके आगे बढ़ाएंगे तो वन प्लस वन टू फोर साइन फोर थीटा तीनों में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा फोर साइन फोर थीटा फोर साइन फोर थीटा वन प्लस फोर साइन फोर थीटा। यहां से टू प्लस फोर साइन फोर थीटा कॉमन वन 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 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा फोर साइन फोर थीटा फोर साइन फोर थीटा वन प्लस फोर साइन फोर थीटा। यहां से टू कॉमन रो वन में रो टू क्योंकि वन 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 आ चुका है जीरो माइनस वन जीरो जीरो वन ठीक है माइनस वन वन साइन स्क्वायर थीटा टू वन प्लस टू साइन फोर थीटा इंटू वन वन प्लस टू साइन फोर थीटा हम देख रहे हैं कि नेगेटिव जैसे हमको जीरो से 90 डिग्री के बीच में ही हमको सॉल्व करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस जनरल फॉर्म लगाने का कोई जोर नहीं है, डायरेक्ट ही कर सकते हैं। नेगेटिव तो इसी दोनों में आना है, इसमें क्या आएगा साइन फोर थीटा साइन फाइव प्लस फाइव बाई सिक्स और इसमें क्या आएगा साइन टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स। इस हिसाब से फोर थीटा सेवन पाई बाई सिक्स एलेवन पाई बाई सिक्स थीटा बराबर सेवन पाई बाई ट्वेंटी फोर एलेवन पाई बाई ट्वेंटी फोर। ऐसे हम लोग यहाँ और भी मेथड लगा सकते थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो जनरल इक्वेशंस का फॉर्म होता है उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। आप देख लीजिएगा आपको किस हिसाब से उसको सॉल्व करने में सुविधा होता है, वही देखेंगे। ठीक है, नोट कीजिए कि अगर ए पी के बराबर नहीं है, बी क्यू के बराबर नहीं है, सी आर के बराबर नहीं है और डिटर्मिनेंट ऑफ पी ए ए बी क्यू बी सी सी आर इक्वल्स टू जीरो है तो ऐसा स्थिति में p बटा p माइनस a q बटा q माइनस b और r बटा r माइनस c का मान क्या होगा तो देखते हैं p a a b q b c
सी सी आर इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ, रो वन में रो टू और रो टू में रो थ्री डायरेक्ट घटाते हैं, p माइनस ए बी माइनस क्यू जीरो, जीरो क्यू माइनस बी सी माइनस आर ए बी आर। अब इसको डायरेक्ट तोड़ दीजिए, p माइनस ए q माइनस बी बी सी माइनस आर बी माइनस क्यू, इसको ढकिएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो ए सी माइनस आर, जीरो ए क्यू माइनस बी और बी, p माइनस ए q माइनस बी और आर सी माइनस आर बी माइनस क्यू सी माइनस आर। p माइनस ए q माइनस बी आर C माइनस आर P माइनस ए, ए B माइनस क्यू C माइनस आर, P माइनस ए Q माइनस बी आर। इसमें देखो R माइनस C कर देते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं इसका, जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर माइनस सी पी माइनस ए, इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा। साइन चेंज करने का क्या उद्देश्य रहा, उद्देश्य ये है कि हमको जो लाना है उसमें पी क्यू और आर प्लस में है, ए बी सी माइनस में है, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम ऐसा किया। Dividing each term by p minus a q minus b r minus c, p minus a q minus b r p minus a q minus b r minus c, r minus c p minus a P माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, क्यू माइनस बी आर माइनस सी, पी माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, कैंसिल कैंसिल, आर R माइनस सी, ए पी माइनस ए। लेकिन अभी काम पूरा हुआ नहीं है क्योंकि हमको जो चाहिए उसमें ऊपर Q और दूसरे का में R चाहिए, R तो आया हुआ है, इसमें P चाहिए। हम देख रहे हैं LCM ऊपर जाएगा तो ऐसा हो सकता है, इस ये टर्म तो मेरा आया हुआ है इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, q माइनस बी प्लस वन और ए पी माइनस ए प्लस वन, एक और एक इधर जुड़े हैं तो बैलेंस करने के लिए एक और एक इधर लगा दिए हैं, r माइनस सी टू माइनस ए ये टू आंसर हो गया,
अब इस तरह का क्वेश्चन जब जेई वगैरह में आता है ना, तो ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ सडनली हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि करना क्या है, किस कॉलम को कैसे घटाना है, कैसे उस टर्म तक पहुँचना है। तो जैसे ही आप ऐसे ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस बनाने लगेंगे ना, तो आपका इंस्टिंक्टिव एक सोच आ जाएगा और उसी सोच के तहत ये बनेगा। नोट कीजिए, देखिए डिटरमिनेंट के और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है। जब हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे ना, तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सेम है, तो अभी दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। डिफरेंशिएशन भी डिटरमिनेंट का होता है, तो वो हम आपको कैलकुलस में बताएंगे। इंटीग्रेशन भी होता है, समेशन भी होता है, तो अलग अलग जगहों पे इसका जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आएगा वैसे वैसे हम लोग यूज़ करेंगे। अभी हम लोग सिंपल बेसिक डिटरमिनेंट तोड़ना सीखे, ठीक है, उसके अलग अलग जगह पे यूजेस आएंगे तो देखेंगे। हमने एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं आप लोग के लिए, आप आराम से उसको बना सकते हैं, और टेक्स्ट बुक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बनाना चाहिए। अभी हम लोग 6 क्लास किए थे, जिसमें 4 क्लास में डिटरमिनेंट बनाया और 2 क्लासेस में थ्योरी किए। इतना में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा खासा सीख जाएंगे। ऐसे आमतौर पर लोगों का मानना है कि डिटरमिनेंट काफ़ी आसान है, जो कि एक गलत अवधारणा है। डिटरमिनेंट जब नया डिटरमिनेंट आपको दे दिया जाएगा ना, अगर आपको दिए हुए टाइम में कोई ये नहीं बताएगा कि रोबन को घटाना है कि जोड़ना है कि क्या करना है, तो सडनली हो सके आप नहीं सोच पाए। डिटरमिनेंट एक तरह से गेम जैसा है, और गेम कितना भी आसान क्यों ना हो, जीतता वही है जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो आपको Layer 1, Layer 2, Layer 3 1 by 1 करके आपको सारे क्वेश्चंस दोबारा बनाने चाहिए और नए क्वेश्चन भी ट्राई करने चाहिए, ठीक है। कल से हम लोग क्रैम स्कूल पढ़ेंगे।